सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल। इम्फाल में आपको काफ़ी ही अच्छा मौका मिला है आपको बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए, अगर आपका स्कोर काफ़ी कम है तो। अगर आपका स्कोर आईसीएआर में कम है तो आप सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल में आप सेल्फ फाइनेंसड कैटेगरी से ले सकते हो। इसमें कोर्सेज कौन कौन सा है, तो सबसे पहले बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, और फिर ये कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पासीघाट में अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे भी आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर मिल रहा है। फिर बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर आपको पासीघाट अरुणाचल प्रदेश, ऑनर्स फॉरेस्ट्री भी आपको पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में मिल रहा है। बीटेक फूड टेक आप कॉलेज ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इम्फाल, और जितने भी और भी अवेलेबल कोर्सेज आप सब देख सकते हो। इतने सारे कोर्सेज में आप सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी से एडमिशन ले सकते हो। इसका एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा कि अगर आपका आईसीएआर में आपका 200 नंबर से भी कम आ रहा है तो आप इस सीट पे एडमिशन पा सकते हो। और सिर्फ आईसीएआर के नंबर पे बेसिस भी नहीं, नीट के नंबर के बेसिस पे भी यहाँ एडमिशन हो रहा है। आप यहाँ पर देखो तो नीचे आते हैं, यहाँ पर क्या क्या देखा हुआ है एग्ज़ाम का, तो नीट यूजी 2022 और नीट AIEE UG 2022, ये BFSC के लिए, और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और फूड टेक्नोलॉजी के लिए ये बस आपको ICAR UG वाला एग्ज़ाम का नंबर देखा जाएगा, और एग्रीकल्चर के लिए नीट और ICAR दोनों का एग्ज़ाम से आपका मार्क्स कैलकुलेट करके आपको सीट दिया जाएगा। इसका बहुत बड़ा डिमेरिट ये है कि आपका फ़ीस जो है बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। आप देख सकते हो इसका फ़ीस है लगभग आपको 57,000 रुपीज़ से ऊपर है पर सेमेस्टर। आपको फर्स्ट सेमेस्टर इतना पड़ेगा, उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर से आपको कम पड़ेगी फ़ीस, लेकिन फिर भी ये बहुत हाई फीस है। लेकिन आप किसी रैंडम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने की बजाय यहाँ पर लेते हो तो आप अच्छा रहता है। यहाँ आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी, आपको ICAR के थ्रू कौन ये प्लेसमेंट आपको कॉलेज से मिलेगा, बहुत चीज़ें मिलेगी, सब कुछ आपको मिलेगा ICAR का बेनिफिट। बस आप स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा और सेकेंड रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और थर्ड फीस हाई रहेगी, बाकी सब सेम है। आप देख सकते हो इसका BVSC का फीस है 2,62,000 रुपये के आसपास है, और ये ट्यूशन फी इंक्लूडेड है, इतना में ही आपका पर एनम का हो जाएगा, और सेकेंड ईयर से आपका थोड़ा कम लग रहा है 2,60,000 रुपये। और नीचे आते हैं आपको क्या इसमें है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है वही जो आप ICAR में था, सेम वही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और कोई चेंज नहीं है। हाँ बस अगर आप फूड टेक्नोलॉजी या फिर बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ये सब में ले रहे हो तो आपको PCM लेना या PCM भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि आप PCB से इसमें एडमिशन नहीं ले सकते। इसके अलावा और कुछ नहीं। और ऑनलाइन कैसे होगा, तो आपको यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन करने का, ये है लिंक आपका, यहाँ पे आप ऑनलाइन कर सकते हो जाके, ये इस लिंक पे आप जाके ऑनलाइन कर सकते हो अपना। और इसका डेट आप देख सकते हो नीचे आकर के, 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक ऑनलाइन सबमिशन होगा, और फीस ऑनलाइन करने का 300 रुपये जनरल OBC और EWS का लगेगा, और 150 रुपये SC ST और PWD और थर्ड जेंडर का लगेगा। और आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने हैं, तो आपको सबसे पहले आपका फ़ोटो अपलोड करना ही करना है, वो तो हर फॉर्म में रहता है, 20 KB से 100 KB में होना चाहिए, और कैंडिडेट सिग्नेचर भी 20 KB से 100 KB में होना चाहिए। फॉर्मेट आपका JPG, JPEG, PNG में होना चाहिए, और मैट्रिक का सर्टिफिकेट यानी 10th का मार्कशीट आपको अपलोड करना है, जिस पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, और मार्कशीट 12th का
इसको आप पीडीएफ फॉर्म में भी अपलोड कर सकते हैं, मतलब पीडीएफ में भी कर सकते हैं, जेपीजी में दोनों में भी कर सकते हैं। और आपका फॉर्म तभी कंप्लीट होगा जब आप पेमेंट पूरा कंप्लीट कर देते हैं। और इसके अलावा ये सी ए यू इम्फाल के लिए कोई और नोटिस नहीं है, फर्दर नोटिस आएगा तो मैं आपको